दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ। दोस्तों अभी तक राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, आज लाया हूँ संविदा कर्मचारियों के नियमितकरण की प्रोसेस के बारे में कि कहाँ तक पहुँची, क्या प्रोसेस चल रही है। अभी संविदा कार्मिकों के नियमितकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ी, कब होगा नियमितकरण? माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन जी पायलट बताएं हमें। या दोस्तों सबसे बड़ी डिबेट राजस्थान आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। लंबे समय से संविदा कर्मचारी अपने नियमितीकरण की बात देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको नियमितीकरण का तोहफा नहीं मिला। कोई भी सरकार आए, चाहे वो अपने मैनिफेस्टो में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की बात कहती है, लेकिन लंबा वक्त गुजर जाने के बाद भी संविदा कर्मचारी अभी तक नियमित नहीं हुए। विधानसभा चुनाव लगभग नवंबर दिसंबर 2018 में खत्म हो गए और अब अगस्त 2019 चल रहा है, लेकिन मीटिंग पे मीटिंग हो रही है और अभी 13 अगस्त को भी एक बार फिर से मीटिंग है। तो दोस्तों सबसे बड़ी अपडेट सबसे बड़ी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। संविदा कार्मियों के नियमित करने की गति पड़ी धीमी। जी हाँ दोस्तों, नवज्योति जयपुर की एक खबर है, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, उपक्रमों, निकायों, मंडलों और बोर्डों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को नियमितकरण के मामले की गति धीमी पड़ गई है। इस संबंध में करीब 2 महीने से मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक भी नहीं हुई, इसके साथ ही विभागों में ने सूचना भी अभी तक नहीं भिजवाई। दोस्तों इस संबंध में गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक गत 3 जून को हुई। उस बैठक में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री बीडी कला, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा शामिल हुए थे। उस दिन तक समिति के पास केवल 18 विभागों ने अपने यहाँ कार्यरत संविदा कार्मिकों की जानकारी भेजी थी। शेष विभागों को तकाजा करने का निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए बीडी कला ने कहा कि अब तक 18 विभागों ने संविदा कार्मिकों की सूचना आ गई है। उन्होंने विभागों में कार्यरत संविदा कार्मिकों को सूची भेजने के अधिकारियों को निर्देश दिए थे तथा विभागों में समस्त रिक्त पदों की जानकारी भी मांगी थी। उसी बैठक में निर्णय लिया गया कि अब संविदा कार्मिकों के नियमितीकरण के संबंध में प्रतिमा बैठक आयोजित की जाएगी। 2 महीने पहले 3 जून को बैठक हुई। अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रशासनिक सुधार रविशंकर श्रीवास्तव, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त निरंजन कुमार आर्य और अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा विभाग रोहित कुमार सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राजेश्वर सिंह, प्रमुख शासन सचिव अल्पसंख्यक विभाग श्रीमती अपर्णा अरोड़ा, प्रमुख शासन सचिव शिक्षा विभाग आर वेंकटेश्वरम, प्रमुख शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अखिल अरोड़ा, प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास विभाग भास्कर सामंत, शासन सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती गायत्री ए राठौड़ सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। तो दोस्तों संविदा कार्मिकों के नियमितीकरण की जो गति थी वो धीमी पड़ चुकी है। लास्ट मीटिंग संविदा कार्मिकों के नियमितीकरण की जो कमेटी बनाई है उसकी 3 जून को मीटिंग हुई। उस मीटिंग में ये फैसला किया गया था कि हर महीने को इस संविदा कार्मिकों के नियमितीकरण की बैठक होगी, लेकिन दोस्तों अभी तक कोई बैठक नहीं हुई। सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है सबसे बड़ी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे कि संविदा कार्मिकों के नियमितीकरण की प्रोसेस धीमी पड़ गई है। तो दोस्तों आज की ये खबर है संविदा कार्मिकों को नियमित करने की गति पड़ी धीमी। सबसे बड़ी अपडेट सबसे बड़ी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। लंबे समय से संविदा कार्मिक अपने नियमितीकरण की बाट देख रहे हैं। लगभग 7-8 महीने हो गए सरकार को बने हुए, लेकिन अभी तक संविदा कार्मिकों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, न ही मानदेय बढ़ोतरी को लेकर, न ही नियमितीकरण को लेकर। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अब कब होगा नियमितीकरण, ये सवाल पूछे अपने मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री महोदय से। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को अभी तक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।